चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर। ये है Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 एंड Xiaomi Pad 5 के लिए जो Xiaomi का ऑफिशियल स्टाइलस आता है, Xiaomi स्मार्ट पेन सेकंड जनरेशन, वो हम Mi.com यानी Mi के ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर किए थे और वो हमको रिसीव हो गया है। इस वीडियो में हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि 6000 रुपए के प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये Xiaomi का स्टाइलस या Xiaomi स्मार्ट पेन कैसा परफॉर्म करता है, क्या क्या इसमें फीचर्स फंक्शंस मिलता है आपको। सो बॉक्स पे कुछ इस तरीके से Xiaomi स्मार्ट पेन का फोटो बना हुआ है, Mi का ब्रांडिंग है, बैक साइड में यहाँ पे टिप किस तरीके से रिप्लेस करना है वो मेंशन किया गया है। तो फटाफट से सील को ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस सेक्शन में आई थिंक कुछ डॉक्यूमेंट होगा। तो यहाँ पे एक तो आपको जो है ना क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाता है, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा टिप भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी छोटा सा है ये एक्स्ट्रा टिप। एंड यहाँ पे ये रहा Xiaomi का स्मार्ट पेन सेकेंड जनरेशन। सो कुछ इस तरीके का मिलता है आपको ये Xiaomi स्मार्ट पेन सेकंड जनरेशन। इधर आपको Xiaomi का ब्रांडिंग मिल जाता है। एक साइड जो है वो यहाँ पे फ्लैट है, जिस साइड से इसको आप अपने टैबलेट के साथ पेयर करेंगे या चार्ज करेंगे। इसके अलावा टॉप पे आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन मिलता है। दो यहाँ पे शॉर्टकट बटन है और ये शॉर्टकट बटन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। इसके अलावा इस टिप को अगर आपको रिप्लेस करना है या बाहर निकालना है तो जस्ट इसको पकड़ के जो है ना आपको जेंटली बाहर की तरफ खींचना है एंड ये बाहर निकल आएगा। उसके बाद जो है ना आप इस टिप को जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा टिप मिलता है उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी लगाने के लिए वापस से आप इसको अंदर प्रेस कर देंगे एंड ये लग जाएगा। सो अभी तो फिलहाल हम अपने Xiaomi Pad 6 पे जो है ना इस तरीके का बुक कवर यूज कर रहे हैं। एंड Xiaomi के स्मार्ट पेन को जो है ना आप इस बुक कवर के साथ भी यूज कर सकते हैं, वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल पेयर करना है, इसीलिए हम अपने पैड 6 को जो है इस बुक कवर से बाहर निकाल लिए हैं। तो Xiaomi के स्मार्ट पेन सेकंड जनरेशन को Xiaomi पैड 6 के साथ फर्स्ट टाइम पेयर करने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे चार्जिंग एरिया मिलता है आपके पैड 6 या पैड 5 में। वहां पे जस्ट आपको जो है ना इसको इस तरीके से चिपका देना है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे कनेक्टिंग का एक पॉपअप आ जाता है ऊपर में। एंड उसके बाद जो है ना आपकी पेंसिल में कितना चार्ज है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Xiaomi स्मार्ट पेन सेकंड जनरेशन जो है ना वो आपके पैड 6 से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड हो चुका है। एंड इस स्मार्ट पेन का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना पैड 6 के साथ वो हमको काफी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी स्ट्रांगली जो है ना ये पैड 6 में अटैच हो जाता है। एंड एक बार जब आप इसको पेयर कर लेते हैं उसके बाद आप अपने पैड 6 के साथ या पैड 5 के साथ प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। अब वापस से पैड 6 को जो है ना इस बुक कवर में डाल देते हैं। एंड ये जो बुक कवर हम यूज कर रहे हैं ना, इस बुक कवर में आपको Xiaomi स्मार्ट पेन सेकंड जनरेशन के लिए भी जगह मिल जाता है। और वहां पे अगर आप अपने इस स्मार्ट पेन को प्रॉपरली रखते हैं ना तो आप देखेंगे कि स्मार्ट पेन आपके कवर में रहते हुए भी चार्ज होगा, कनेक्टेड रहेगा। एंड अगर आपको स्मार्ट पेन को इस कवर के इस स्लॉट में से बाहर निकालना है ना तो इस साइड आपको यहाँ पे कटआउट दिया गया है। इस कटआउट से जस्ट आप प्रेस करेंगे एंड इस तरीके से आप पेंसिल को या पेन को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा Xiaomi के स्मार्ट पेन में जो है ना आपको 40 mAh का बैटरी मिलता है। और Xiaomi क्लेम करती है कि अगर आप इसको एक बार फुल चार्ज कर देते हैं 100% तक तो आपको जो है ना 150 घंटे के आसपास का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब कि आप इसको अगर 1 मिनट तक चार्ज करते हैं तो आपको 7 घंटे के आसपास का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्ट पेन में आपको 4096 प्रेशर सेंसिटिविटी लेवल मिलता है, मतलब कि वाइल राइटिंग या ड्राइंग करते समय जो है ना प्रेशर अप्लाई करके इसमें जो 4096 प्रेशर सेंसिटिविटी लेवल दिया गया है उसका बेनिफिट आप इस तरीके से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जितना हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उतना जो लाइन है ना वो बोल्ड ड्रॉ हो रहा है, और प्रेशर अगर हम अप्लाई नहीं कर रहे तो काफी लाइट लाइन ड्रॉ हो रहा है। एक ही लाइन को ड्रॉ करते समय अगर हम कहीं पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कहीं पे मोटा ड्रॉ होता है, कहीं पे पतला ड्रॉ होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम लेटेंसी की बात करें तो इसके साथ जो है ना अल्ट्रा लो लेटेंसी बताया गया है। एग्जैक्टली कितने मिलीसेकंड का लो लेटेंसी है वो तो हमको नहीं पता, स्लो मोशन में करके हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि लेटेंसी इसका कैसा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट पेन में जो है ना आपको 2 बटन मिलता है, शॉर्टकट बटन, और इसका आप यूज कैसे कर सकते हैं वो बता देते हैं। तो जो आपको आगे वाला बटन मिलता है या प्राइमरी बटन मिलता है, अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो आपको इस तरीके से टैप करना होगा अपने स्क्रीन पे एंड नोट्स एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, आपको क्विकली नोट्स एप्लीकेशन ओपन करना है, इस प्राइमरी बटन को जस्ट आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड स्क्रीन के ऊपर आपको टैप करना है। एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से नोट्स जो है वो पॉपअप स्टाइल में ओपन हो जाता है, क्योंकि हम रिसेंटली नोट्स को जो है ना पॉपअप स्टाइल में यूज कर रहे थे इसीलिए पॉपअप स्टाइल में ओपन हुआ है। अगर आपको इसको फुल स्क्रीन में यूज करना है तो इस तरीके से आप स्वाइप डाउन करके इसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप इस प्राइमरी बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे एंड यहाँ पे टैप करेंगे इस तरीके से, तो नोट्स एप्लीकेशन फुल स्क्रीन में ही ओपन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो सेकेंडरी बटन मिलता है, पीछे वाला बटन मिलता है, इसको अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा अपने Xiaomi Pad 6 में, जहाँ पे अगर आपको फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे आप होल स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे एंड आपका स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगा।
अगर आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो अगेन इस बटन को जो है ना आपको सेकेंडरी बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग शेप का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर शेप में जो है स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर हम फिर से इस सेकेंडरी बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो यहाँ पे आपको फ्री फॉर्म का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज शेप का स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं इस तरीके से। Xiaomi के स्टाइलस या स्मार्ट पेन का कुछ और फीचर्स आपको इनेबल करने का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आप अपने पैड 6 के सेटिंग में आ जाइएगा, सेटिंग में यहाँ पे स्टाइलस एंड कीबोर्ड सेटिंग में जाइएगा, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है राइट विथ स्क्रीन ऑफ। तो अगर आप इस फीचर को इनेबल करते हैं तो आपका जो पैड है उसका बैटरी कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आपके पैड का स्क्रीन ऑफ कंडीशन में रहता है, अपने स्मार्ट पेन से जस्ट इस तरीके से टैप करते हैं ना तो यहाँ पे नोट्स एप्लीकेशन ओपन हो जाता है और आप क्विकली नोट्स ले सकते हैं। तो किसी भी समय अगर आपका Xiaomi Pad 6 का स्क्रीन ऑफ रहता है, आप अगर फिंगर से टैप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, बट अगर इस स्टाइलस से हम यहाँ पे टैप करते हैं ना तो यहाँ पे नोट्स एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे राइट विथ स्क्रीन ऑफ का जो फीचर है वो आप सेटिंग में जो है ना स्टाइलस एंड कीबोर्ड में आके यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट पेन के लिए कोई भी अगर अपडेट आता है फर्मवेयर का तो वो आप यहाँ पे टैप करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल जो फर्मवेयर वर्जन है वो 0.5.04 है। एंड यहाँ पे जो दो बटन मिलता है इनको प्रेस एंड होल्ड करने पे क्या होता है वो तो हम आपको ऑलरेडी बता दिए, बट इसको अगर आप क्विकली प्रेस करेंगे तो आप इसको जो है ना नोट्स एप्लीकेशन में एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं अलग अलग पेन्स को चेंज करने के लिए या फिर पेन के कलर्स को चेंज करने के लिए, वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट से नोट्स एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे अगर हम इस प्राइमरी बटन को जस्ट यहाँ पे क्विकली प्रेस करते हैं ना तो आप देखेंगे कि पेन जो है वो चेंज हो गया, अभी ये पेन है। फिर से अगर हम इसको प्रेस किए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेन चेंज हो गया। फिर से अगर हम प्रेस किए तो यहाँ पे फिर से ये पेन चेंज हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आप ये जो प्राइमरी बटन है इसको प्रेस करके जो भी रिसेंटली आप पेन यूज़ किए हैं तीन पेन्स के बीच में आप क्विकली जो है वो स्विच कर सकते हैं। एंड जो सेकेंडरी बटन है इसको क्विकली प्रेस करके जो भी पेन आप यूज़ कर रहे होंगे नोट्स एप्लीकेशन में उसके तीन लास्ट यूज कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल ब्लू ड्रॉ हो रहा है, अगर इस बटन को क्विकली प्रेस किए तो अब ये येलो ड्रॉ हो रहा है, फिर से क्विकली प्रेस किए तो अब ये ऑरेंज ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना क्विकली प्रेस करके आप जो भी लास्ट तीन कलर अलग अलग पेन का यूज़ कर रहे होंगे उसमें आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पेन चेंज कर दिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आप इन बटन्स के एक्स्ट्रा फीचर्स को नोट्स एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी हम पैड 6 में कैमरा ऐप ओपन किए हुए हैं एंड यहाँ पे इन शॉर्टकट बटन्स का यूज़ करके या किसी भी टाइप के जेस्चर को यूज़ करके जो है ना आप शटर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो 6,000 रुपीज़ का ये काफ़ी प्रीमियम स्मार्ट पेन है। यहाँ पे कैमरा शटर कंट्रोल या कुछ और जेस्चर्स फीचर्स होना चाहिए था, तो बहुत ही बेसिक सा फीचर मिलता है, बट जितना भी हम इस पैड 6 पे इस स्टाइलस को यूज़ करके फील किए हमको काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा फील हुआ है। बट प्राइस जो है वो हमको थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा बिकॉज फीचर्स इसमें उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम सैमसंग का पेन यूज़ किए थे एस पेन उसमें मिला था। जैसे यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फीचर जो है ना आप इनेबल नहीं कर सकते, यहाँ पे स्टाइलस एंड कीबोर्ड में बस यहाँ पे राइट विथ स्क्रीन ऑफ का एक एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई भी फीचर जो है आपको स्मार्ट पेन सेकंड जनरेशन के साथ नहीं मिलता है। बाकी नोट्स एप्लीकेशन में जब आप इस स्मार्ट पेन का यूज़ कर रहे होंगे ना तो आपको पाम रिजेक्शन जो है वो अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पाम से कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे स्मार्ट पेन से ही ड्रॉ हो रहा है। तो पाम रिजेक्शन बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है एंड बहुत ही स्मूथ फील होता है। जो टेम्पर्ड ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने के बावजूद जो है ना ये स्मार्ट पेन काफ़ी अच्छे से मेरे पैड 6 पे वर्क कर रहा है। तो जो बैक कवर एंड जो टेम्पर्ड ग्लास हम यूज़ करें उसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी Xiaomi के स्मार्ट पेन को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कंक्लूजन ये है कि Xiaomi का स्मार्ट पेन हमको अच्छा लगा, थोड़ा सा प्राइस और कम रखती है अगर Xiaomi तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये, या फिर फ्यूचर अपडेट्स के थ्रू अगर Xiaomi के स्मार्ट पेन सेकंड जनरेशन में कुछ नया फीचर्स कुछ नया जेस्चर्स ऐड किया जाए तो वो इसको काफ़ी अट्रैक्टिव डील बनाएगा। बाकी अगर आप अपने पैड 6 पे प्रोफेशनल ड्राइंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस स्मार्ट पेन को कंसिडर करना चाहिए। बाकी Xiaomi का ये स्मार्ट पेन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। इस स्मार्ट पेन के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।